हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मकबूल मूवी, जो कि डायरेक्ट करी थी विशाल भारद्वाज ने, और ये उनकी पहली मूवी है जो उनकी एक पूरी एक सीरीज़ है, जिसमें कि उन्होंने विलियम शेक्सपियर के सारे जो ट्रेजेडी प्ले हैं उनको अडेप्ट कर रखा है। तो उनकी पहली मूवी थी, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है मकबूल की, जो कि अपनी कमज़ोरियों से हार जाता है, और इसमें है जहांगीर खान, जो कि एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है, और मकबूल उसी का राइट हैंड है, जिसको कि जहांगीर खान ने अपने बेटे की तरह पाला है। मकबूल हमेशा से अब्बा जी को बहुत मानता है, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। मकबूल जानता है कि जो वो आज है वो उन्हीं की वजह से है, जिस पावरफुल पोजीशन में है वो सिर्फ अब्बा जी की वजह से ही है। एक तरीके से वो उनके एहसानों तले दबा भी हुआ है। मगर अब्बा जी की पत्नी निम्मी, जो कि प्ले की है तब्बू ने, वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विशाल भारद्वाज की विलियम शेक्सपियर के प्ले के ऊपर जितने भी मूवी बेस्ड हैं, हर एक में एक औरत का दोहरा चरित्र ज़रूर दिखाया जाता है। हमेशा इंसान अपनी कमज़ोरियों से हारता है, और उसका कोई ना कोई कारण औरत ज़रूर होती है। बिल्कुल मकबूल में भी ऐसा ही होता है। इसमें भी हमको ऐसा ही दिखाया जाता है कि निम्मी मजबूर कर देती है मकबूल को वो हर एक चीज़ करने के लिए, जिसको कि उसका ज़मीर बिल्कुल नहीं मानता। निम्मी अब्बा जी की पत्नी है, और वो उनसे आधी उम्र की है, और मन ही मन वो उनको अपना पति नहीं मानती, लेकिन वो छुप छुप के मकबूल से इश्क लड़ाती है। मकबूल भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, और कहीं ना कहीं वो भी निम्मी को प्यार करता है। निम्मी को इस तरह से दिखाया गया है कि उसको जो चाहिए वो किसी न किसी कीमत पर पाकर रहती है, इसलिए वो मकबूल को मजबूर करती है। वो उसको कहती है कि तुम विद्रोह करो और अब्बा जी को मार डालो, और उस गद्दी पर फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनकर बैठूंगी। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मकबूल को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बन जाते हैं कि मकबूल मजबूर हो जाता है। बार बार वो अब्बा जी को सामने खुद को छोटा पाता है, और मन ही मन बहुत ज़्यादा विचलित रहने लग जाता है, इसलिए अब वो विद्रोह की राह पर चल पड़ता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब अब्बा जी की दी हुई बंदूक अब्बा जी पर तान दी जाती है। मकबूल उनका खून कर देता है, उस अब्बा जी का जिसने उसे पाला था, उस शख्स का जिसने उसे इस काबिल बनाया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आखिरकार उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उनकी हत्या के बाद मकबूल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, और जो उनका गिरोह होता है उसमें भी अब फूट पड़ जाती है, और सब बढ़ जाते हैं। मकबूल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसे एक चीज़ की खुशी है कि उसका प्यार निम्मी अब भी उसके साथ है। यही सोच के वो थोड़ा सा खुद को दिलासा देता है। निम्मी अब माँ बनने वाली है, इसी खुशी में मकबूल अपने सारे गम भुलाने की कोशिश करता है। जो उसे सारा वक्त अपने बदन पर खून के निशान महसूस होते थे उन्हें मिटाने की कोशिश करता है, मगर उसे वो गिल्ट ना सोने देता, ना जागने देता, ना बिल्कुल भी उसे चैन मिलता है। वो कभी निम्मी को दोष देता है, कभी खुद को, तो कभी हालात को, और धीरे धीरे वो नींद बेहोशी में चला जाता है। उसे ना सच का पता चलता है, ना झूठ का, ना दिन का, ना रात का, ना दुनिया का। फिर एक दिन जब पुलिस उसे घेर लेती है, तो वो कैसे ना कैसे करके निम्मी को हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, और वहाँ निम्मी एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन मकबूल की बदकिस्मती थी कि वो अपने बेटे का मुंह भी नहीं देख पाता। फिर किसी ना किसी तरह बचते बचाते वो हॉस्पिटल पहुंचता है, अपने बेटे को देखने, अपने औलाद को देखने। तभी वो देखता है कि अब्बा जी की बेटी और दामाद ने उस बच्चे को गोद ले लिया है, क्योंकि निम्मी की मृत्यु हो चुकी है। जिस औरत ने यह सब कुछ किया, सारी चालें चली, जो भी ये प्रपंच रचा, वो एकमात्र अपनी खुशी भी नहीं देख पाई, और मकबूल अकेला पड़ गया। बाहर पुलिस उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसका कोई दुश्मन उसे पहले ही मार देता है। वो निश्चिंत होकर सुकून से आखिरकार मर जाता है, क्योंकि उसका बच्चा अब सही हाथ में जा चुका था। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यार मैं ये मूवी आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, बहुत अच्छी मूवी है। ये मूवी विलियम शेक्सपियर की एक प्ले का अडेप्टेशन, जिसका कि नाम था मैकबेथ, और इसमें इरफान खान ने इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करी है कि वो देखने लायक है। तो आप ज़रूर देखिए इस मूवी को।